हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकवे सॉल्यूशन में। आज हम आपको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे। यदि आपका आयुष्मान खो गया है या कोई बनाने आया था आपके यहाँ और आपको अभी तक मिला नहीं है, तो आप किस तरह से उसको डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे, वो तरीका बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास पहुँचते रहें। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आयुष्मान डाउनलोड करने के लिए हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहां पर डालते हैं आयुष्मान कार्ड डाउनलोड। यहां पर हम पहली ही वेबसाइट है जो bis.pmjay.gov.in, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर साइट को ओपन होने में कुछ समय लगता है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारी वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन में हम आधार चूज करते हैं। यहाँ पर स्कीम है, स्कीम में हम PMJAY सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप जिस स्टेट के निवासी हो उस स्टेट का नाम डालते हैं। यहाँ पर जैसे हम मध्य प्रदेश हैं, हम मध्य प्रदेश का नाम डालते हैं। यहाँ पर आप आधार नंबर या वर्चुअल आईडी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी, उसको हम रीड कर लेते हैं और यहाँ पर टिक करते हैं। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं। हमारा जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आता है। हम यहाँ पर OTP इनपुट करते हैं और वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। जैसे ही वेरीफाई पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा नाम और यहाँ पर डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन आता है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारा आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाता है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमारा आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो हमको कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको करके देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।